आज के इस समारोह के व्याख्यानमाला की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय गोवर्धन दास जी, जिनका सम्मान यहाँ पर किया गया है। ऐसे सम्माननीय अरोरा जी, भारतीय विचार संस्थान न्यास के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी पांडे जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, मैं एक दुविधा में हूँ। जिस प्रकार का विषय मुझे आपके सामने रखने के लिए कहा है, इसके कारण है कुछ। इसका एक कारण है कि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग सेवा के महत्व को समझते हैं, जानते हैं। नया विषय दूसरा दुविधा का कारण है कि हम अपने आसपास अरोरा जी जैसे व्यक्तियों को देखते रहते हैं कि जो तन मन से इस समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो विचार सुनना उससे भी अच्छा है, उससे भी लाभदायक है ऐसे व्यक्तियों को देखना। इसलिए ये सेवा विषय बोलने का है कि करने का है, तो करने का विषय है, पर हमारे जैसे लोग बोलने वाले भी कुछ मिल जाते हैं। और तीसरा एक दुविधा का कारण है कि आप में से भी बहुत लोग, मैं बहुत लोग नहीं कहूंगा, सब लोग किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ काम सेवा के करते ही रहते हैं। हम जानते नहीं है, हम कहते नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, परंतु करते तो है। उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। अब इस इन तीन प्रकार की दुविधाओं के बीच आपके सामने कुछ कहना है, तो मैं अभी के इस व्याख्यान का मैं अगर वर्णन करूं तो यह एक प्रकट चिंतन है, लाउड थिंकिंग है। जो हम सब जानते हैं उसी को स्मरण करना है, नया अध्याय कुछ भी नहीं है, और इसलिए मेरे लिए आसान भी है, क्योंकि विषय की व्याप्ति इतनी है कि कुछ छूट भी सकता है, और आप समझ भी सकते हैं कि हाँ ये तो पता ही नहीं, पर हाँ ये भी है। तो इस प्रकार का एक आयोजन आज का। मैं आयोजकों को प्रारंभ में इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस विषय का स्मरण करने का मौका दिया है। ये तो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि सेवा भी कुछ करनी चाहिए, तो एक लाभ मेरे लिए भी है। वैसे तो अपने यहाँ पर धर्म का शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों से किया जाता है, उसके विभिन्न आयाम है। भारत के अलावा और कहीं पर भी धर्म के समान शब्द नहीं है कहीं, क्योंकि वो वहां धर्म की कल्पना नहीं है। और इसलिए भारत के चिंतन में जो अनेक प्रकार की विशेषता है, उसमें इस धर्म की संकल्पना के बारे में भी हमारी कुछ एक भिन्न अवधारणा है। वस्तु में वहां चर्चा का विषय नहीं, व्यापकता तो है। इसके मैं दो हिस्से मानता हूं। एक होता है इसका चिंतनात्मक पक्ष है, वैचारिक अवधारणा है, सिद्धांत है, तत्व ज्ञान है, एक देखने की एक दृष्टि है, व्यवहार के प्रति एक मार्गदर्शन है। एक किसी प्रकार के भी सैद्धांतिक तत्व ज्ञान का एक पक्ष है कि उसकी वैचारिक अवधारणा को समझना, स्पष्ट मन के अंदर रखना है। परंतु इसका दूसरा जो पक्ष है वह आचरण में लाना लाता हुआ
समाज का समूह जब दिखाई देता है उन सिद्धांतों को आचरण में लाने, भगवद गीता में भगवान ने मेरे अति प्रिय कौन है उसका वर्णन तो किया है, प्रिय कौन है, पहले शब्द 7 श्लोक तो प्रिय कौन है ये बताने में है 12वें अध्याय के अंत में, और जो अंतिम श्लोक है उसमें वो लिखते हैं कि धर्म को जानने वाले बहुत लोग हैं, धर्म को समझाने की ताकत रखने वाले भी बहुत लोग हैं, परंतु जो आचरण में लाते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, अति प्रिय, उन्होंने शब्द प्रयोग किया, अति प्रिय कौन है कि जो धर्म को आचरण में लाता है, और इसलिए जब सेवा का जब विषय आता है तो यह सेवा ये कोई विवाद का, संवाद का, परिसंवाद का, परिचर्या का, चर्चा का विषय नहीं है, ये तो करने का ही विषय रहता है, और सेवा के साथ ही केवल परम शब्द जुड़ा हुआ है, परमो धर्म ये कहा गया, वो अन्य किसी विषय के साथ नहीं है, वो सेवा के साथ है। तो इस प्रकार का चिंतन भारत का और इस प्रकार का आचरण भारतीय समाज का, हिंदू समाज का भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता आया है, होता रहता है, और इसलिए चिंतन जब व्यवहार में दृश्यमान होता है तो उसको हम सेवा कहेंगे। चिंतन जब तक व्यवहार में दृश्यमान नहीं होगा तब तक न उस पर विश्वास होता है न उसको पालन करने का भाव बनता है, इसलिए आचरण करने वाले संभवतः सिद्धांत बता नहीं पाएंगे, तत्व ज्ञान बता नहीं पाएंगे, पर तो आचरण से वो प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव लेकर काम करने वाला अपने समाज का सामान्य, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमने देखा है, हमने उनके बारे में सुना भी है। समय तो बात ध्यान में आते कि बहुत अच्छी बातों को लोग सहमत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रहती, आपस में स्नेह संबंध होने चाहिए, कोई विवाद का विषय नहीं है, परंतु स्नेह संबंध होते हैं कि नहीं ये प्रश्न, इसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं बोल, समन्वय के साथ चलना चाहिए सिद्धांत है, पर समन्वय के साथ चलने वाला वो कठिनाई रहती, इसलिए बताते हैं, इसलिए श्रेष्ठ विचारों को रखना एक बात है, उसके आचरण के दृष्टि से उन विचारों के निकट जाने का प्रयास यही साधना है वास्तव में। और ये सेवा परमो धर्म कहा, पर सेवा नहीं होगी तो उस तत्व ज्ञान के निकट हम कैसे, इसलिए हर व्यक्ति ने इस प्रकार का एक विचार करना ही चाहिए कि मैं उस तत्व ज्ञान के सिद्धांतों के निकट कैसे पहुंचूं आचरण के माध्यम से, यह एक आवश्यकता रहती है, और इसलिए केवल तत्व ज्ञान, ज्ञान बुद्धि के स्तर पर कुछ बातें स्वीकार कर ली उससे पर्याप्त नहीं होता, विषमता नहीं माननी चाहिए परंतु विषमता है, आचरण में रहती है, कोई कानून से डर के कहता है, कोई समाज के भय से कहता है, नहीं नहीं हम तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, परंतु अंदर से तो रहता है कुछ न कुछ भेद, तो तत्व ज्ञान तो स्वीकार, इसलिए उसके निकट जाने का प्रयास होता है। और अपने यहां पर बड़े विद्वजनों ने यही कहा कि जब तक वो व्यवहार में नहीं आता है तब तक उसकी परिपूर्णता नहीं होती, अगर किसी सिद्धांत तत्व ज्ञान को परिपूर्ण रूप प्राप्त होना है तो वह दिखना देखना चाहिए, आचरण में लाने का मानस बनना चाहिए और आचरण करने के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, और इसलिए केवल विचार श्रेष्ठ है, मैं सहमत हूं,
नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार की बहस को चलाने का एक सीमित उपयोग है, परंतु उसकी परिणामकारिता उसके निकट जाकर आचरण करने वालों के कारण ही होती है। और इसलिए ये सेवा परमो धर्म जब कहा, तो सेवा करने वालों ने इसको ये परम धर्म है ये सिद्ध किया। कई उदाहरण कुष्ठ रोगी के भी जाकर काम करना चाहिए, कोई दो राय नहीं जाएगा कौन। इसलिए बिलासपुर के पास चांपा में जब भारतीय कुष्ठ निवारक संघ का अभी जो काम चलता है उसको जिन्होंने प्रारंभ किया, उनके मन में विचार आया कि मुझे कुष्ठ रोगियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आसपास के मित्रों ने और बड़े लोगों ने भी कहा कि सोच समझ के जाओ, इसको करोगे तो समाज में भी तुम्हारी उपेक्षा होगी, तुम्हें कोई निकट आने नहीं देगा। ये कौन है, ये कुष्ठ रोगियों के बीच काम करने वाला व्यक्ति है, घर में प्रवेश नहीं देंगे, सामने साथ में बिठाएंगे नहीं, ये सब तैयारी है तो आप इसमें कदम डालो। नहीं, मैं ये संकल्प लेकर ही चला हूं। ऐसे उदाहरण जब खड़े हो जाते हैं तब लगता है कि ये परम धर्म यानी क्या है, उसका उदाहरण सामने आता है कि ये परम धर्म जिन्होंने माना है। और लिए ये जब परम धर्म कहा तो इसकी बात क्या, कभी सोचना पड़ता है कि बुद्धि के स्तर पर कई बातें मानते हैं, पर जब तक बुद्धि के स्तर पर स्वीकार की हुई बातें अंतःकरण की गहराई तक नहीं उतरती, मैं कभी कभी उदाहरण बताता हूं कि सुदामा और कृष्ण की कहानी लोग बताते हैं, कथाकार बड़े भावुक होकर बताते हैं, लोग सुनने वाले भी भावुक होकर सुनते हैं, कैसे सुदामा और कैसे कृष्ण, फिर कैसे उसको गले लगाया, कैसे उसकी पाद्य पूजा की, कैसे उसको अपने साथ बिठाया, रुक्मिणी देखती रही ये कौन है, ये सब दृश्य जब वर्णन करते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, आंसू की धाराएं चलती है। कब तक, उस कथा के परिसर से बाहर निकलने तक। जैसे ही उस परिवेश से बाहर आते हैं तो लोग अपने अपने इसमें विचार करना प्रारंभ करते हैं, सुदामा और कृष्ण की कथा सुनकर किसी दुर्बल व्यक्ति को अपना मित्र बनाया, ऐसे उदाहरण तो बहुत कम है। मैं नहीं ऐसा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण तो होते ही है। तो बुद्धि के स्तर पर तो समझ में आ गई कथा क्या है, कैसा होना चाहिए। परंतु इस प्रकार का जब तक अंतकरण की गहराई में कोई विचार जब उतरता नहीं है, तब अंतकरण की जो अंदर की जो भाव जागरण होता है, जिसको हम संवेदना कहे, इसको हम आत्मीयता कहे, उसको हम स्नेह कहे, प्रेम कहे, जो भी शब्द प्रयोग करना चाहेंगे, उसका जन्म नहीं होता है। महात्मा गांधी जी के जीवन का प्रसंग बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो भारतीय चिंतन समझता हूँ, पुनर्जन्म पर मेरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि भगवान, देखिए आसपास की परिस्थिति देखकर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि पुनर्जन्म पर मेरा विश्वास है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जब मुझे अगला जन्म मिलेगा तो वो रोटी के रूप में मिले, तो कम से कम एक व्यक्ति की भूख मिटा सकूं। ये जब अंतकरण की गहराई में कोई विषय उतरता है तो इस प्रकार का भाव प्रकट होता है। और इसलिए बुद्धि के स्तर पर स्वीकार, अंतकरण की संवेदनाओं को जागृत करने वाला, आत्मीयता के भाव को बीजारोपण करते हुए उस आत्मीयता को गहरी बनाने वाला विचार, उसी विचार में ताकत है। अन्यथा विचार जन्म लेते हैं नष्ट होते हैं, जन्म लेते हैं नष्ट होते हैं, विचार मन में आते ही रहते हैं, परंतु जिन विचारों का
रोपण होता है, अंतकरण में गहराई से उतरता है, जब उसका प्रकटीकरण का अवसर मिलता है तो वो प्रकट होता है, वह उसको ही हमने आत्मीयता का आधार कहा, संवेदना शब्द प्रयोग किया, स्नेह शब्द प्रयोग किया, अपनापन ये कहा गया। जब ऐसा होता है तो बुद्धि के स्तर पर स्वीकार की हुई सेवा की अवधारणा प्रत्यक्ष व्यवहार में आती है। फिर व्यक्ति सब बातों को अपने आसपास के परिश को भूल जाता है। महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, पुरानी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आजकल ऐसे मिलते नहीं है, परंतु मेरे सामने उनका उदाहरण मिलना। जब एक वनवासी क्षेत्र में एक छात्रावास शुरू करना चाहिए विचार आया, कौन जाएगा। जब चर्चा चल रही थी तो ये नगराध्यक्ष महोदय भी बैठे थे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। नगराध्यक्ष पद छोड़कर ना उसमें क्या है, मिला है जाएगा, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। सारी अपनी प्रसिद्धि सब प्रकार का प्रतिष्ठा को छोड़कर नए प्रतिष्ठा के क्षेत्र में चले गए। आज अगर नगराध्यक्ष रहते तो कितने नाम उनके, कितने लोगों के मन में उनके नाम स्मरण में रहता मालूम नहीं, परंतु आज जिस वनवासी क्षेत्र में वो गए वहां के हजारों छात्र उनको अपने पिता के समान स्मरण करते हैं, आज वो नहीं है। इन्होंने धर्म के रूप में उसको आचरण के धरातल पर लाए थे। और ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं, इसलिए मैं नमूने के रूप में मैंने बताया, ऐसे कम लोग नहीं है, आज भी बहुत है। और इसलिए यह अंतकरण में जब स्वीकार्यता होती है तब जाकर सब प्रकार के प्रश्नों के समाधान का मार्ग खुलता जाता है। सेवा का क्षेत्र ऐसा है कि वो साधनों पर निर्भर नहीं है, मन पर निर्भर है। धन नहीं चाहिए, मन चाहिए, ऐसा तो आ जाता है, साधन आ जाते हैं। अगर आप प्रामाणिकता से लगे हो और बिना किसी के सहयोग के साधना के ऐसा साधनों के अपेक्षा करते हुए चल रहे हो, साधन अपने आप आएंगे। परंतु ये मन के धरातल पर जिस प्रकार का गहराई से असर होकर मन जब तैयार होता है तो शरीर तैयार होता है, शरीर जब तैयार हो जाता है तो साधनों की परवाह न करते हुए चल पड़ते हैं। इस संदर्भ में कभी कभी चर्च के लोगों का विशेष लगता है, कहां से विविध देशों से आते हैं, भारत में आते हैं, जंगलों में रहते हैं, न यहां की भाषा जानते हैं, न यहां का खान पान जानते हैं, न यहां की जलवायु से उनका कुछ तालमेल हो पाता है। आते हैं पर एक मिशन लेकर आते हैं, उस मिशन से हमारी असहमति सहमति हो सकती है, परंतु एक व्यक्ति इस प्रकार का मिशन लेकर आता है वो क्या उसको हम धर्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको। आता है, रहता है, अपनी इच्छाओं अपनी कल्पनाओं के अनुसार समाज के लिए कुछ करता भी है। और इसलिए इस प्रकार के काम करने का कारण मिशन के साथ मिशनरी शब्द जुड़ गया। हमको भी मोह होता है कि मिशनरी वृत्ति से काम करना चाहिए। जिन्होंने सेवा के धर्म को एक मिशन के रूप में व्यक्ति व्यक्ति के अंतकरण में आना चाहिए, ये मिशनरी। और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक स्वीकार्यता अंतकरण के धरातल पर और उसके द्वारा प्रकट होने वाली मन के अंदर उठने वाली संवेदनाओं को और अधिक प्रखर करते हुए उस भावनाओं को जड़ मूल से पोषण करते हुए जो व्यक्ति जो भी आचरण करेगा जो भी व्यवहार करेगा वो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। है आज थोड़ा सा विकृति आ जाती है इस क्षेत्र में भी, क्योंकि करना है तो प्राप्त भी करना है, ऐसी अपेक्षा रहती है क्या मिलने वाला है। और जिन्होंने किसी प्रकार के भी भविष्य की चिंता न करते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश किया, कदम डाला,
उन्होंने ही इस सेवा परमो धर्म के इस उक्ति को सही अर्थ प्राप्त कराया है। ऐसे अनेक उदाहरण वास्तव में अपने यहां पर तो कई बातें ग्रंथों में बताई गई, हम सुनते हैं और दोहराते भी हैं। ईशावास्य विदम सर्वम कहां कि सर्वत्र ईश्वर का वास है। ईशावास्य विदम सर्वम हमारे यहां पर कहा गया कि सर्वभूत हिते रहता है, सबके कल्याण की मंगल की कामना करो, सर्व सबके भले की बात करो, सर्वभूत हिते रहता है। गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कहा गया, किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखो, प्रेम की रखो। द्वेष की मत रखो इसका मतलब ही है प्रेम की रखो। अद्वेष्टा सर्व आत्मवत सर्वभूतेशों का सिद्धांत बताया गया, प्राणी मात्र में ईश्वर है यह बताया गया। तो इतना श्रेष्ठ प्रकार का मार्गदर्शन अपने देश के ऋषि मुनियों ने, अपने महात्माओं ने, हमारे मार्गदर्शक जिनको माना जाता है, ऐसे संत सन्यासी भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाओं ने इस सारे सिद्धांत को अपने सामने रख दिया। तो कमी क्या है? कमी तो नहीं है। ये सारी बातों से असहमत कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम कौन असहमत है? ईशावास्य विदम सर्वम, भारत का व्यक्ति, हिंदू समाज का व्यक्ति तो इससे कोई असहमति बताता ही नहीं है। बाकी लोगों को लगता है ईश्वर कहां पर है, यहां पर है, वहां पर है, तो ईशावास्य विदम सर्वम। तो इस प्रकार का एक विचार हमने सुना, पर तदनुसार प्रवृत्ति भी बननी चाहिए, उसका प्रयास। हम जानते बहुत कुछ है, महाभारत में सुना है, दुर्योधन के ही मुख से कहा गया है, जाना मैं धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं क्या है। दुर्योधन या कौरव, धृतराष्ट्र, गांधारी, ये धर्म नहीं जानते थे ऐसा नहीं है, परंतु उन्होंने कहा कि जाना मैं धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मेरे प्रवृत्ति में नहीं है। आगे वो कहते हैं जाना में अधर्म, अधर्म क्या है वो भी मुझे मालूम है, परंतु उससे निवृत्ति नहीं है। अब क्या कहेंगे हम, धर्म जानते हैं, सिद्धांत है, श्रेष्ठ है। तदनुसार जब तक समाज की प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तब तक ये शब्दों का भंडार बनकर रह जाएंगे। विवाद का, संवाद का, बौद्धिक क्षमताओं के प्रगटीकरण का विषय बन जाएगा। इसलिए अपने यहां पर कहा गया कि जाना में धर्मम न च मे निवृत्ति नहीं, जाना में धर्मम न च मे मेरी प्रवृत्ति, न च मे प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति बननी चाहिए हमारी। और इसलिए अपने यहां पर सामान्य आचार घर में करते आए, पुरानी पीढ़ी से लोग करते आए, ये तो गाय को रोटी खिलाने का मतलब क्या है? मंदिरों में जाकर चीटी रहते हो को ध्यान में लेकर शक्कर के दाने डालते जाना, आटा डालते जाना, ये क्या बताता है? गुजरात में गांव गांव के अंदर पंखी घर बने हुए हैं कि पक्षियों को दाना चुगने के लिए डालना चाहिए, एक आता कहां से है? तो अपने यहां पर तदनुसार प्रवृत्ति बननी चाहिए, इस प्रकार का बहुत बड़ा तंत्र एक सहज विकसित हुआ है। लोग प्याऊ बनाते हैं, क्या मिलता है? राजस्थान की यात्रा में भर बड़ी गर्मी, मई मास में यात्रा में जा रहे थे, तो 12-1 बजे के आसपास स्टेशन पर लोग पानी के बर्तन लेकर खड़े हैं यात्रियों को पानी पिलाने के लिए। मैंने कहा आपको क्या मिलता है? नहीं, यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने के बाद उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई देती, वही हमारे लिए सब कुछ है। कौन से इसमें लिखा है कि इस आयु में ये करो, इस आयु में ये करो, इस आयु में ये करो, पर करते आए। अब इसका ही थोड़ा और व्यापक रूप बनेगा, और इसलिए यह सेवा का, यह धर्म के रूप में कहा गया कि जो अपने यहां पर सहजता से अपने समाज के अंदर
आचरण के धरातल पर भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ऐसा नहीं है। अब ये सब करने वाले ईशावास्य विदम सर्वगुण पर प्रवचन नहीं करेंगे, अर्थवेष्टारोह मुक्ताराम पर एक व्याख्यान देंगे वो तो नहीं करेंगे, नहीं वो सेवा परम धर्म पर भी व्याख्यान नहीं देंगे। और इसलिए यह एक प्रवृत्ति जब हम विचार करते हैं तो तीन प्रकार का सामर्थ्य लोगों के पास रहता है, ज्ञानवान उसका भी एक बल है, साधन संपदा उसका भी अपना एक बल है, शरीर माध्यम खुलु धर्म साधन में कहा गया तो शरीर का भी बल है। पर इन तीनों प्रकार के बलों का उपयोग मैं किस काम के लिए करूंगा उसके बारे में संस्कार और उसके बारे में संकेत। मेरे अगर शारीरिक बल का उपयोग मैं दुर्बलों को पीड़ित करने के लिए भी कर सकता हूं, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए भी कर सकता हूं, मुझे क्या करना है। मेरे बुद्धि का उपयोग मैं लोगों को भ्रमित करने के लिए भी कर सकता हूं, और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाला भी मैं मेरे बुद्धि का उपयोग कर सकता हूं। जब धर्म की बात करेंगे तो इस सामर्थ्य का उपयोग क्या हम सकारात्मक दृष्टि से करेंगे कि नकारात्मक दृष्टि से करेंगे, आत्म केंद्रितता से बाहर आकर करेंगे कि आत्म केंद्रित रहकर करेंगे, धर्म और अधर्म यहां पर है। जो इन सारे शक्तियों का उपयोग अपने आप को अलग करते हुए दूसरों के लिए करता है उसको धर्म कहा है, जो अपने लिए करता है उसको तो अधर्म कहा है। धर्म के मार्ग पर समाज चलेगा यानी क्या है, इसके आगे की बात कही गई अपने यहां पर कि इस प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त करो, उस सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए साधना करो, प्राप्त होने के बाद इसका विवेकपूर्ण उपयोग करो, विवेकपूर्ण उपयोग, उचित अनुचित का विवेक जागृत होना चाहिए के साथ साथ। ये तो ये तीनों प्रकार के सामर्थ्य है और उचित क्या है, अगर इसका विवेक नहीं है तो स्वाभाविक रूप से इन शक्तियों का उपयोग अनुचित काम के लिए ही किया जाता है ऐसा दिखाई देता है। प्रदूषण मतलब, प्रदूषण मतलब केवल ये गंदगी वगैरह नहीं है, ये मानसिक धरातल पर आया हुआ प्रदूषण समाज को इस प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करना। तो प्राप्त करो और प्राप्त करते समय ही सोचो कि इसका उपयोग केवल मेरे लिए नहीं है, अन्य लोगों के लिए भी है। क्या इस प्रकार का जागरण समाज के अंदर आता रहेगा। और इसलिए कभी कभी लगता है कि कुछ बातें बांटने से समाप्त होती, बांटने से समाप्त तो कुछ नहीं होता, ज्ञान तो ऐसा है कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपका भी बढ़ेगा। अंतकरण का स्नेह संबंध आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। लोग केवल पैसों के बारे में सोचते हैं कि बांटूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, अरे बांटोगे तो मिलता भी रहेगा, नहीं बांटोगे तो बढ़ने वाला नहीं। मैं कभी कभी एक ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देता है कि नदियों में जब पानी नहीं रहता है तो महिलाएं जाकर वो रेत खोदती है, थोड़ा थोड़ा रेत निकाल दी जाती है तो नीचे से पानी आना प्रारंभ होता है, फिर वो कटोरी से पानी भरते जाती है, निकाल दे फिर दूसरी कटोरी पर पानी आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। पर अगर उसने, उस महिला ने पानी नहीं निकाला तो वो गड्ढा ओवरफ्लो होने वाला नहीं है। अब निकालोगे तो आएगा, अगर अपने पास है वो हम निकालेंगे तो आता रहेगा। इस तत्व ज्ञान पर विश्वास रख के चलेंगे तो अपने सारे सामर्थ्य का उपयोग उचित कार्य के लिए हो सकता है। दृष्टिकोण भाव ये चाहिए। और इसलिए इस प्रकार के सामाजिक काम को, सेवा के काम को,
इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाला भाव और इसको प्रखरता से इसको बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। सेवा के काम ये कभी भी योजना से नहीं किए जाते। नहीं, हमने बहुत सोचा है कि एक हॉस्पिटल चलाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अब हो ना हो, हमने सोचा है हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। बहुत जगह मैंने देखे हॉस्पिटल बने हुए, पेशेंट नहीं आते, कोई आवश्यकता नहीं लगती लोगों। नहीं, हमने सोचा है लोगों को पढ़ाना है। अब पढ़ना नहीं चाहते, आप क्या करोगे उसको? एक मजाक में किस्सा बताते हैं ना कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं सबको साक्षर करूं। अब साक्षर करूं या संकल्प लिया और ढूंढने के लिए निकला तो निरक्षर व्यक्ति नहीं मिल रहा था। मेरा तो संकल्प है निरक्षर को साक्षर करने। अब ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम से एक व्यक्ति मिला। उसने पूछा, कोई पढ़े लिखे हो? बोले, काय का पढ़ा लिखना, मैं तो कुछ नहीं। तो बड़ा आनंद हुआ, तो एक मिला कम से कम कि जो अभी निरक्षर है उसको मैं साक्षर करूंगा। तो बोले, मैं तुमको लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। बोले, भाई साहब ये लिख पढ़ कर करेंगे क्या? अब ये प्रश्न किसी ने उसको पूछा नहीं था, इसलिए जवाब देने भी मुश्किल। तो अब शहर से गया हुआ व्यक्ति है, कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी करके क्या करेंगे? अरे अच्छी तनख्वाह मिलेगी, पगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। बोले, उससे क्या करेंगे? बोले, सुख से रह सकोगे। तो उसने कहा, मैं अभी कौन सा दुख में हूँ? मेरी पत्नी मुझे खाना बनाकर देती है, मैं आता हूँ, मेरे चार पशु घास खा रहे हैं, मैं शाम को ले जाऊंगा। मेरे तो ये इतना झंझट क्यों करना? तो प्रसन्न हो तो मैं हूँ, अभी प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े निराश हो गए, अब क्या करें, मैं तो संकल्प लेकर जाऊँ, ऐसी काम नहीं होती। काम तो जब हमने कहा कि परिस्थिति देखकर, दृश्य देखकर मन के अंदर जो वेदना निर्माण होगी उसके आधार पर जो करने का विचार आएगा वो सेवा कार्य। ये पंचवर्षीय योजना का काम नहीं है, उसके लिए बजट चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। यह तत्कालीन दृश्य देखने के बाद मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि अंतःकरण अगर है तो दृश्य का परिणाम होगा, और दृश्य का परिणाम होने के बाद जो भी मन के अंदर विचार जगेगा और जो कृति होगी वही सेवा है। क्योंकि धर्म अगर है तो वह सहज रूप से प्रकट होना ही चाहिए, और इसलिए इस प्रकार का विचार रखकर करने वाले आज हमारे पास है बहुत कुछ लोग है। अपने यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने वगैरह कर्मयोग का सिद्धांत बताया। मनुष्य जब जन्म लेता है, चेतना आती है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये माइक अपने आप कुछ काम नहीं करेगा, ये जो पॉडियम है वो अपने आप कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। पर हमारे अंदर अगर चेतना है तो कुछ बात है, कुछ स्वाभाविक कर्म होता रहता है। सांस लेना है, सोचना पड़ता है क्या कि मुझे अभी 3 मिनट सांस लेना है? ऐसा तो नहीं होता है। भूख लगी है तो कोई टाइम टेबल होता है क्या? आजकल लोग टाइम टेबल बना के खाते हैं। तो किसी ने कहा कि भूख लगी तब खाते हैं कि समय हो गया तब खाते हैं। तो अधिकांश लोग समय हो गया इसलिए भोजन करते हैं, भूख लगी इसलिए भोजन करने वाले बहुत कम मिलते हैं आजकल। हम लोगों ने भी कभी अनुभूति ली है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अब होता है। अब ये है, ये खाना पीना नींद लेना ये तो एक स्वाभाविक कर्म है। आप उसके लिए कोई योजना बनाकर करने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपने आप होती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो शरीर और बुद्धि के बल के साथ अपने आप करना प्रारंभ करते हैं। बच्चा चल नहीं पाता है, पर जब बड़ा होता है तो अपने आप चलता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। बालक को समझ में नहीं आएगा कि मुझे कब क्या करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, वो समझने के लिए एक आयु होनी पड़ती है, होता है। तो एक स्वाभाविक कर्म है, एक आवश्यक कर्म है कि जो उसके जीवन के यापन के लिए उसको करना ही पड़ता है। पढ़ना है, पढ़ना है,
खेलना है, शरीर को व्यायाम करना है, तो कर्म है वो भी एक प्रकार से। पर तीसरा जो चरण है वह नियोजित कर्म की आवश्यकता ज्यादा है, नियोजित कर्म की आवश्यकता। और नियोजित कर्म आकलन से, निरीक्षण से, आसपास का दृश्य देखने से होता है, उससे मैं पता चलता है क्या करेंगे। और इसलिए जब कहा गया समाज है आराध्य हमारा, सेवा है हमारी साधना, तो समाज अगर आराध्य है तो समाज के बातों को समझने का अंतकरण जब तक नहीं होगा तब तक योजना से सेवा कार्य होंगे, सेवा कार्य की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। दिखता है, मन में विचार उठता है, करने की इच्छा होती है, व्यक्ति करता है, उसको सेवा करेगा, ये शासकीय योजना से नहीं। परंतु आजकल सेवा शब्द भी बड़ा सस्ता हो गया है, नौकरी करते हैं वो भी कहते हैं हम सेवा करते हैं, सेना में जाते हैं वो भी कहते हैं हम देश की सेवा करते हैं। मैं आगे कहूंगा तो आप बुरा मत मानिए, राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले लोग भी सेवा के लिए ही जाते हैं। आपकी हंसी बता रही है कि आप मेरे से सहमत हैं। अब ये है, ये कंडीशन है, शर्तों के आधार पर है। पहले तनख्वाह तय करो, बाद में मैं सेवा दूंगा, तो सेवा कहां से। वास्तव में वो सेवा शब्द नहीं है, उसके लिए अलग शब्द ढूंढना चाहिए, मैं उसका जानकार नहीं हूं, आप लोग ढूंढ सकते हैं। सामाजिक काम है, समाज के लिए आवश्यक काम है, वो किसी ने करना है, मैं करता हूं, कभी मुआवजा लेता हूं, क्योंकि आपत्ति नहीं है, मुआवजा लेने में कठिनाई नहीं है। पर जब उसको हम सेवा के शब्द में प्रयोग करेंगे तो वास्तव में सेवा शब्द के साथ खिलवाड़ हो जाती है। और इसलिए यह एक सेवा के संदर्भ में कहा गया कि प्रखरता, हृदय की आत्मीयता, गहराई के अंदर संवेदना, यही केवल सेवा के आधार बन सकते हैं। बाकी बोले सामाजिक काम और सेवा, इसमें अंतर बहुत कम है, वैसे तो सीमा रेशा बहुत पतली है, कहाँ सामाजिक काम खत्म होता है और कहाँ सेवा शुरू होती है। इसलिए मैं दोनों को एक समान भाव से चलने वाला काम मान के चलता हूँ। पर सामाजिक काम करने में भी दृष्टि तो यही चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर भी करना है। यहां पर ऐसे हजारों उदाहरण अपने आचरण से लोगों ने प्रस्तुत किए कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी करते रहते हैं। कभी कभी आजकल के तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस प्रकार से पद्मश्री और पद्म भूषण दिए जाते हैं, कहां कहां के लोग ढूंढ के लाते हैं, कोई उनके उनकी कोई आकांक्षा ही नहीं थी, उनको मालूम भी नहीं था कि ये पद्म भूषण पद्मश्री क्या होता है। पर जब ढूंढना शुरू किया तो समाज में इस प्रकार के लोग दिखाई देने लगे कि हाँ ये वास्तव में सम्मान के पात्र है। किसी ने कहा नहीं, उनके मन में जागृत हुआ भाव और किया। और लेकर तो कुछ वर्षों में बहुत परिस्थिति बदली, जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें आनंद देने वाली बात यही है कि जिस प्रकार की समाज की इस प्रकार के आत्मीयता से व्यवहार करने वालों को ढूंढकर उनको सम्मानित किया जाता है कि जिनकी कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रखने वाले भी होते हैं, निराश भी हो जाते हैं, वो अलग बात है, वो मनुष्य का स्वभाव है, उसमें भी कोई दोष है, समय नहीं मानता हूँ। और इसलिए यह एक स्वाभाविक होगा, प्राकृतिक होगा, आवश्यकता के अनुसार कर्म होगा, लेकिन एक कर्म ऐसा है कि जिस कर्म के पीछे कोई किसी प्रकार की व्यवहारिक धरातल पर अपने स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे कर्म करने वालों को ही ईश्वर के रूप में देखा जाता है। ये ईश्वर क्या होता है। और इसलिए इस प्रकार के काम करते समय भाव किसान होना चाहिए, निस्वार्थ है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका कभी कभी गलत अर्थ लगाते हैं लोग। नहीं, हम काम करेंगे उसका फल तो मिलना ही चाहिए। भगवान ने तो ये कहा है कि तुम्हें कुछ मिलेगा ये मत सोचो, तुम काम करोगे उसका परिणाम नहीं निकलेगा, ऐसे
निष्फल काम नहीं करना है, हम काम करेंगे तो परिणाम भी आनी चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम चाहे जो करते रहो परिणाम आए ना आए, हाँ परिणाम में मुझे कुछ मिलेगा उसको निष्काम कर्म उसके लिए कहा गया। परंतु कभी कभी लोग जब अपहिष्य हो जाते हैं तो वो गीता का आधार लेकर कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि कर्मण्येव अधिकारते, काम करते रहो फल की अपेक्षा मत करो। मैंने कहा ये मूर्खता है, भगवान ने ये नहीं कहा, स्वयं के लिए कुछ नहीं, इसलिए निस्वार्थ निरपेक्ष, इस प्रकार का निस्वार्थ भाव रखकर निरपेक्षता के आधार पर समाज के लिए करने वाला, वो सामाजिक काम हो वो सेवा के काम हो, समाज इसको मान्यता देता ही है ऐसा विश्वास हम सबके अंतकरण में चाहिए। मैं इतने वर्षों से कर रहा हूं, किसी को कुछ मेरा महत्व तो समझ में नहीं आता है, ये विचार आपके मन में आता है इसीलिए आपका महत्व समझ में नहीं आता है। ये जिस दिन व्यक्ति को समझ में आएगा उस दिन वो इसको तिलांजलि देगा, मुझे क्या मिल? और ये किसी प्रकार की जो आधारभूत बात कही गई निस्वार्थ हो निरपेक्ष भाव से तो वो धर्म के रूप में आता है, नहीं तो अधर्म। एक बात और कही गई कि मातृ हृदय के बिना सेवा असंभव है, मातृ हृदय चाहिए। तो माँ का शब्द क्यों आया ऐसा कभी कभी मन में प्रश्न है, पितृ नहीं कहा, पितृ हृदय नहीं कहा है, यहाँ बड़ी संख्या में पितृ हृदय है, मातृ हृदय तो कम संख्या में है, परंतु ये अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण नहीं है, वास्तविकता है। तो मातृ हृदय कहा तो उसके आगे कहा गया कि माँ जो है वो हमेशा पहले दूसरों का विचार करती है बाद में अपना विचार करती है, ये परंपरा ही देश के अंदर। सबका भोजन होने के बाद वो भोजन करेगी, मेरे लिए पहले फ्रिज में निकाल के रखेंगे बाद में वितरण करेंगे, ऐसा करने वाली माँ मैंने देखी नहीं, और अगर ऐसा कोई महिला करती है तो वो माँ कहलाने के लायक नहीं, ऐसे नहीं भारत में, ऐसा नहीं। पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, धनवान हो, नगर की हो, शहर की, गांव की हो, वनवासी क्षेत्र की हो, पहले बच्चों का विचार करती हूँ, दूसरों के बारे में, बच्चों को दूसरों के बारे में विचार। और ये सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों का दूसरों का हित परहित, उसको धर्म कहा है, परहित धर्म कहा गया है। तो परहित का विचार करने वाली कौन है? तो जिसको मातृशक्ति के रूप में, माता के रूप में जिसको हम अनुभव करते हैं। और इसलिए कहा गया कि किसी भी प्रकार के सामाजिक सेवा के काम हो मातृ हृदय चाहिए, वो पुरुष भी मातृ हृदय हो सकता है, महिला भी मातृ हृदय होती है, कभी कभी महिलाएं भी पुरुष हृदय होती है, वो अलग बात है। लेकिन मातृ हृदय वो पुरुष हो या महिला हो, और इसे जब तक वो मातृ हृदय नहीं है तब तक पूर्ण न्याय के साथ न सामाजिक काम होगा न सेवा का काम हो पाएगा। और ये इस प्रकार का भाव, उस प्रकार का भाव तभी रहता है कि जब सबके प्रति आत्मीयता रहती है। राजा के बारे में कहा गया कि राजा ये प्रजा का पिता के समान है, वो पिता के समान जब तक है तब तक ही लोग उसको राजा मानते हैं, जब वो अपना पितृत्व का और ये सब कर्तव्य का भाव जब भूल जाता है तो राजा को नीचे खींचने वाले लोग कम नहीं है। हमने देखा है रशिया में क्या हुआ, हमने देखा है अमेरिका में क्या हुआ, हमने देखा है कि पुराने जमाने में राजाओं को कैसे उतारा गया है जब राजा अपने कर्तव्य को भूल जाता है। और ये अपने कर्तव्य का पालन करना यानी एक अच्छे मानव बनना है। अधिकार और कर्तव्य दो शब्द प्रयोग चलते हैं, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कर्तव्य के लिए संस्कार देने पड़ते हैं,
आज चर्चा अधिकारों की ज़्यादा होती है। जिस समाज में अधिकारों की चर्चा ज़्यादा होती है, समझना चाहिए कि हम पतन की दिशा में जा रहे हैं। जहाँ पर कर्तव्य की चर्चा होती है, वहाँ पर समाज उत्थान के मार्ग पर चलता है। जब यहाँ का समाज अपने मूल प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर कर्तव्यों के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करेगा, तब तक इस देश के अंदर भी धर्म है और विश्व में भी धर्म शेष है, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। और इसलिए यह एक भाव, एक अहंकार का बीज भी आता है, मैं करते करते जब प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तब ये अहंकार, जब तक मैं हूं तब तक कोई समस्या नहीं, मैं ही हूं, ये जब होता है तब एक विकृति आ जाती है। और मैं ही हूं नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है, ये जब आता है तो और विकृति हो जाती है। और उसके आगे जब आता है आपको किसी को नहीं करना है, मैं ही करने वाला हूं, तब जाकर और विकृत स्वरूप आ जाता है। यह अहंकार की प्राप्ति है, इसलिए अहंकार के बीच को ही समाप्त है। देश के अंदर ऐसे उदाहरण कम नहीं है कि जिन्होंने अपना सर्वस्व खोकर कुछ नहीं पाया, ऐसे लोग, और फिर भी नाम की अपेक्षाएं नहीं रही। तो इसलिए धर्म के साथ हम शब्द जोड़ते हैं तो धर्म का नष्ट होने का बीज अहंकार में है, और ये अहंकार से मुक्त हूं। दूसरा एक सामाजिक कार्य के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सामाजिक काम या सेवा के काम घोषणा करने के काम नहीं है, आप करोगे लोग उद्घोष करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि घोषणाएं होती है वो जमीन पे नहीं आता, फिर कारण बताते हैं लोग, ये कठिनाई आई वो कठिनाई आई। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, मैं ये करने वाला हूँ, इस पर की घोषणा न करते हुए करना चाहिए, करने के बाद अपना आप उद्घोष होने वाला है। कोई कितना भी आपको ढकने की कोशिश करे, ढकने वाला नहीं है, कोई छुपा नहीं सकता। और इसलिए यह एक बात कहेंगे कि उत्कृष्टता का प्रयास हो लेकिन घोषणा करके करने की आवश्यकता नहीं है, श्रेष्ठ कार्य अपने द्वारा होनी चाहिए, इस पर भाव है। और इसलिए यह दूसरी एक बात ध्यान में आती है कि अपने समाज में गरीब लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अज्ञान सब प्रकार का होता है, केवल और पुस्तकों का ज्ञान मतलब ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं है, अज्ञान है, भिन्न भिन्न प्रकार का अज्ञान है। परंतु ये गरीब है, ये अज्ञानी है, ये दुर्बल है, पर हमने तो अपने यहां पर कहा गया प्राणी मात्र में ईश्वर है, तो यह सब ईश्वर है ना, ये कि ये तो कंडीशन तो नहीं डालेगी, इतने पैसा कमाते हो तो ईश्वर के रूप हो, नहीं तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं कहा, इतने पढ़े लिखे हो तो भगवान के रूप हो, ऐसा नहीं कहा। कोई कहते हैं ये बायोलॉजिकल एक्शन रिएक्शन के कारण मनुष्य का जन्म होता है, ये गलत है। ये चेतना आती कहाँ से? शरीर तो बनता है पंच महाभूतों का, पर ये शरीर के अंदर जो चेतना आई वो जो ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त हुई, वो ईश्वरीय शक्ति ने ही हमारे अंदर प्रवेश किया है, तब हम अंदर अपनी चेतना आई। और ये कहा गया कि प्राणी मात्र में ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व उसकी चैतन्य से ही प्रकट होता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर कहा कि इसी को ईश्वर मानकर इसकी ही पूजा करो। उन्होंने और आगे बड़े कठोर शब्दों में कहा है कि मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अभिषेक करना, ये तो सामान्य सब लोग करते ही हैं। घरों में प्रतिमाएं लगाकर देवताओं की, उनके अगरबत्ती लगाना, उनको पुष्पमाला चढ़ाना, स्वामी जी कठोर शब्दों में कहते हैं ये सब बंद करके जो जीता जागता ईश्वर का रूप आपके सामने है उसकी पूजा करो, मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इस तर्क से अलग बातें हो सकती है, लेकिन
स्वामी का, स्वामी जी का आग्रह, रामकृष्ण परमहंस का आग्रह इस बात को लेकर है कि सामने आया हुआ व्यक्ति एक ईश्वर का ही रूप है, सर मैन सर गॉड, जीव सेवा ईश सेवा, ईश सेवा जीव सेवा। अगर इस प्रकार का भाव रखकर हम करेंगे तो पूजा के भाव से सेवा का काम करना, ये स्वामी जी ने हम सबके सामने रखा है। आगे वो कहते हैं कि अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि इस प्रकार का देवता मेरे सामने आया है और मुझे कुछ करने का अवसर इसके द्वारा मिला है। धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि हे प्रभु तुम्हारे कारण मैं मेरी अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रकट कर पा रहा हूं। ये भाव, और इसलिए कहा गया कि इनको ही आप देवता हो। रामकृष्ण परमहंस ने तो दो शब्द प्रयोग और स्थापित किए, उन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण उनका है, जो गरीब है वो कहा कि दरिद्र नारायण है। यहां तक तो ठीक है। उन्होंने कहा जो बुद्धिहीन है उनको भी कहा मूर्ख देव, वो मूर्खों को भी देव कहते हैं, दरिद्र व्यक्ति को भी देव कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों को तो देव मानना ही है, मंदमति के बुद्धि के बालक है उनको भी ईश्वर मान के चलना है क्योंकि उनके अंदर भी ईश्वरीय शक्ति की चेतना के रूप में है, तो हम उनकी पूजा करें। और ये ईश्वर देखना सामने वाले व्यक्तियों के माध्यम से और उसके लिए कुछ करने का भाग्य अपने जीवन में आना, इस मार्ग पर चलने वाले सेवा धर्म का आचरण करने वाले कहलाए जाते हैं। इसलिए भारत का दृष्टिकोण सेवा के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, मनुष्यों के संदर्भ में, प्राणियों के संदर्भ में, विश्व के अन्य चिंतनों को चिंतकों से भिन्न है। चैरिटी शब्द चलता है, दया का भाव, करुणा का भाव, स्वामी विवेकानंद शब्दों का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आप कौन होते हो दया करने वाले? किसी किसी का हम सहायता करेंगे, सहायता करने वाले तुम कौन हो? तो न सहायता करना है, न दया के भाव से करना है, न करुणा के भाव से करना है, न उपकृत करने के भाव से करना है। ध्यान रखो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, ये नहीं। इन सारी कल्पनाओं को तिलांजलि देना यानी सेवा परमो धर्म मानना है, इस प्रकार का भाव विकसित मानना। अपने यहां के संत महापुरुषों ने भी अलग अलग वाणी में कहा है। गुजरात के नरसिंह मेहता कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरों के दुख को समझते हैं वही ईश्वर के भक्त है। वैष्णव जन कहा उन्होंने, वैष्णव जन तो तेने कही। महाराष्ट्र के संत तुकाराम हो गए, उन्होंने कहा जेका रंजले गांजले, जो पीड़ित है दुखी है कष्ट में जीवन जीते हैं त्यासी मणे जो आपले, उनको अपना मानता है, उसको उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो ऐसा अपना मानता है वही साधु है और वही देवता के रूप में काम कर रहा है। साधु तो ओखा हुआ देवते थे ची जाना। तुकाराम महाराज ने कहा, और इसलिए यह इस प्रकार का आपने यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो अभी अर्वाचीन काल के हैं, तुकाराम महाराज उसके पहले हो गए, नरसिंह मेहता उसी कालखंड में हो गए, इन सब ने हमें एक सही अपने काव्यों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने अभंगों के द्वारा, अपने चौपाइयों के द्वारा हमें यही बताया है कि यही करना, ये पुण्य कर्म, इसको पुण्य कर्म कहवाना गया है। पूजा पाठ अनुष्ठान ये पुण्य की प्राप्त करने की एक सीमित साधन है, उसको करना चाहिए क्योंकि स्वयं को भी शुद्ध रहना, इसलिए करना चाहिए, लेकिन वहीं तक गाड़ी रुकना नहीं चाहिए, ये कहा गया। और इसलिए यह एक रंतिदेव का श्लोक भी हम जानते हैं, राजा रंतिदेव थे, उन्होंने कहा कि मेरी कामना क्या है, वो कहते हैं न त्वहं कामय राज्यम, मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है, स्वयं राजा है उस समय, न त्वहं कामय राज्यम। आगे वो कहते हैं न स्वर्गम, मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, न पुनर्भव, मुझे मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है,
तेरी क्या इच्छा है? वो कहते हैं जो दुख और दर्द से पीड़ित है वो दुख और दर्द से मुक्त हो, इसके लिए मेरा जीवन लगाऊंगा। ऐसे राजा रंती देव यहाँ पर प्राणी नाम अर्धिनाशन, उनका सब आर्त, उनका सब दुख, उनका कष्ट, उससे वो मुक्त हो और उसके लिए मैं साधन बनूं, इस प्रकार के मुझे कोई पाप पुण्य की कल्पना मेरे मन में नहीं, मैं मोक्ष की कल्पना है, स्वर्ग की कल्पना है, मैं फिर एक बार चुनाव में जीत के आऊँ इसी कल्पना है, कुछ भी नहीं है, फिर मेरा राज्याभिषेक हो, नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मैं दुखी पीड़ित असहाय लोगों के चेहरे पर आनंद देख सकूं, इस प्रकार का भाग्य मुझे प्राप्त हो, ये कहा गया। और इसलिए यह अंत में कहना है तो कहा गया कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, हमारे मोक्ष का कारण भी क्या है, समाज का हित, विश्व का हित, प्राणी जगत का हित, मानव का कल्याण, विश्व के कल्याण की कामना, इस सारे दृष्टिकोण देने वाला भारत का धर्म, उसको धर्म की अनेक प्रकार की छटाओं में प्रस्तुत किया गया, उसमें सेवा यह एक परम धर्म कहा गया। इस प्रकार के धर्म के मार्ग पर चलते चलते ही अपना जीवन सत्कार्य के लिए समर्पित हो, यही मुझे लगता है कि हम सब संतों की, महापुरुषों की, वर्तमान में रहने वाले हम सबसे अपेक्षा है। इस प्रकार का भाव मन में हम सबके पास जीवित रहे, सामर्थ्य के साथ रहे, कर्म के द्वारा वो प्रकट होता रहे, इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी कार्यक्रम के अंत में मैं कलाकार श्री मधुर व उनके सहयोगी कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम से अपना यह कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सबके प्रति व आदरणीय मंच के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं कलाकार साथियों